आप भी इस टाइप का खुफिया सेटिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में दोस्त हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कीबोर्ड में आप किस तरह से अपना फोटो या और कोई भी बैकग्राउंड फोटो आप किस तरह से सेट कर पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि इस टाइप से फोटो लगाने में आपको कोई तरह का कठिनाई हो। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि इस टाइप का टेक्निकल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुँचे। सो फ्रेंड, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यदि आप यूज करते हो तो सिंपली करना कुछ नहीं है, उसके कीबोर्ड वाले आपको ऑप्शन में आना है। जैसे कि व्हाट्सएप खुलने के बाद दोस्त आप जैसे ही टाइपिंग वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से कीबोर्ड ओपन होगी। तो यहाँ दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ कीबोर्ड ओपन हुई तो आप इस कीबोर्ड के ऊपर में दोस्त आप देख सकते हो ये 3 लाइन, इस 3 लाइन पर दोस्त आपको क्लिक करना है। इस तरह से दोस्त आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ दोस्त आप देख सकते हो, यदि अपने कीबोर्ड में आप अपने ईमेल या फ़ोन नंबर से लॉगिन नहीं है तो अपना सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ जो ये थीम वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दोस्त पेज खुलेगा और यहाँ काफ़ी सारा दोस्त आपको यहाँ बैकग्राउंड इफेक्ट पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्त कोई भी एक बैकग्राउंड को यदि अपने कीबोर्ड में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हो। जैसे कि हमने ये वाला बैकग्राउंड कलर को अपने कीबोर्ड में यूज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने इस बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्त आपको एक फाइल नेम यहाँ देना होता है तो आप यहाँ जैसे फाइल नेम दीजिएगा, जैसे कि हमने राज किया, उसके बाद ऊपर में सही की मार्क का आपको जो टिक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ से फिर से बैक जाएंगे और यहाँ से आप दोस्त देख सकते हो कि आपका कुछ कीबोर्ड इस तरह से दोस्त देख सकते हो बैकग्राउंड में पिक्चर सेट हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका से दोस्त आप एक क्लिक में यहाँ आप जो मनपसंद बैकग्राउंड या इमेज आप लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हो। दूसरा स्टेप में दोस्त बताएंगे कि किस तरह से दोस्त यदि इस बैकग्राउंड के जगह पे अपना यदि फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो किस तरह से आप लगाइएगा। तो फिर से इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त फिर से आपको इसी थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ जो प्लस वाला फर्स्ट आइकन दिख रहा है इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। आप देख सकते हो यहाँ से आपको गैलरी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप जिस तरह से गैलरी वाले सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से दोस्त आप जो फोटो को अपने कीबोर्ड बैकग्राउंड फ़ोटो में लगाना चाहते हैं यहाँ से उस फोटो को दोस्त आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें यह फ़ोटो को बैकग्राउंड में देना है, इस फोटो को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने फिंगर की मदद से दोस्त इसको क्रॉप कर लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से दोस्त अपने सेंटर में इस इमेज को लाने के बाद यहाँ दोस्त नीचे में आपको नेक्स्ट वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ दोस्त आप देख सकते हो ये वाला जो आपको एरो दिख रहा है इसको लेफ्ट और राइट आप जैसे आप स्वाइप कीजिएगा तो आप देख सकते हो आपके कीबोर्ड में किस तरह से ये लाइट हाई और लो होता है। इस प्रकार से दोस्त इसको 100% कर देना है। उसके बाद दोस्त नीचे में जो ये डन का आपको बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ दोस्त आप देख सकते हो यहाँ जैसे ये वाला ऑप्शन जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आएगा ये दोनों को इनेबल कर देना। हमने ऑटोमेटिक पहले से इनेबल कर दिया, इसको इनेबल करने से होगा क्या, जो अभी आप कीबोर्ड देख रहे हो की के पीछे जो इसका आइकन देख रहे हो इसको यदि हाइड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। आप दोस्त देख सकते हो यहाँ जो कीबोर्ड वाला पीछे में बैकग्राउंड आइकन था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। यदि फिर से लगाना चाहेंगे तो इसको इनेबल कर देंगे। आप देख सकते हो फिर से यहाँ जो बटन के पीछे आइकन है वो आ चुका है। उसके बाद टॉप की इसको यदि ऑफ कीजिएगा तो यहाँ जो आपके कीबोर्ड पे जो नंबर वाला सेटिंग होता है वो यहाँ से हाइड हो गया। इसको फिर अनेबल कीजिएगा तो ये नंबर वाला सेटिंग आप देख सकते हो यहाँ से फिर से आ चुका है। इस प्रकार से दोस्त इस कीबोर्ड का यहाँ से अपना एक नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के बाद दोस्त यहाँ करना कुछ नहीं, ये सही मार्क का जो आपको निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इमेज आपके कीबोर्ड में सेट हो चुका है। तो चलिए यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्त यहाँ से कीबोर्ड ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा इमेज लग चुका है। तो इस प्रकार से दोस्त आप भी अपने इमेज को अपने कीबोर्ड में लगा के मोबाइल को ज़बरदस्त लुक दे सकते हो।
यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं अपने चैनल पर इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जरूर पहुँचे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्त यहीं तक के लिए दोस्त।